ये केस तो पब्लिक डोमेन में था और इसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो भी पब्लिक डोमेन में हैं, पर इसमें इतना कॉन्ट्रडिक्शन था दोनों इन्वेस्टिगेशंस में कि मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग ड्रामेटिक फिल्म बन सकती है। तो वहाँ से ये एक शुरुआत हुई इसकी और फिर जर्नी लंबी रही 1.5-2 साल की जो उसमें लगा हमको स्क्रिप्ट लिखने में, क्योंकि ये फिल्म मेघना के लिए मेरे पास तो आइडिया था, मुझे खुद, मैं हैदर में बिजी था एंड शी वॉन्टेड टू मेक ए फिल्म, तो मैंने मेघना के साथ बाउंस किया ये आइडिया। वो भी इस केस को उतने ही शिद्दत से वो कर रही थी, फॉलो कर रही थी। तो फिर जब उन्होंने और रिसर्च शुरू किया, दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। तो फिर मेघना आई, फिर प्रीति जुड़ी, जब एक बार स्क्रिप्ट हो गई तो हमने प्रीति को दी स्क्रिप्ट, वो उनको भी उतनी पसंद आई, तो फिर हम तीनों एक साथ जुड़े। एक तो मटेरियल बहुत था, कॉन्ट्रडिक्टिंग था, लेकिन एक बार जब स्क्रिप्ट बन गई इसकी तो काफ़ी क्लैरिटी मिली, और लेकिन आसान नहीं था क्योंकि मतलब एक ही चीज़ को तीन बार अलग अलग पहलुओं में मतलब और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाना वॉज नॉट ईजी, तो एक इमोशनल डिस्टेंस रखना वॉज इम्पॉर्टेंट वाइल शूटिंग और येट पैशनेटली काम करना, तो क्लिनिकल और पैशनेट यू नो देयर वाज अ कांस्टेंट टसल विद दैट। लेकिन टीम इतनी मतलब फैब्यूलस है, सारे एक्टर्स हमारे जो टेक्नीशियंस थे, जो फिल्म की टीम है, इट वाज सो गुड दैट ऐसा लगा कि एवरीथिंग वेंट ऑफ वेरी इजीली, व्हिच इज एक्चुअली नॉट ट्रू। काफ़ी कठिनाई आई लेकिन आई थिंक सबका यही था, एक कॉमन वाइब थी कि ये फिल्म तो बनानी है और अच्छे से बनानी है, और वो कहीं ना कहीं दिखता है स्क्रीन पर।